हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो, आप अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा लगा सकते हो, वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा लगा सकते हो। इस ग्रुप की आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दोगे तो आपका पैसा बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो आप लोग इस ग्रुप की सभी कंपनी में पैसा लगा के रखिए। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ एयरली रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर वह उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी सर्विसेज अच्छे हैं, तभी जाके वो कंपनी वाई अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं। और भैया, जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके देता है। आपको भाई समझ में नहीं आता है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो भैया एक सीधा सा जवाब है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई मेरे इतने बताने के बाद भी आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हो, तो भैया जब क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओगे ही नहीं तो रिटर्न कहाँ से मिलेगा। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 495.46 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 909.14 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, हाफ ईयरली 495 से 909 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 495.46 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 920.90 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 442.49 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 590 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो एबिटा था वो 442.49 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 601.76 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर था वो 427.66 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 609.64 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर है, 427 से 609 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो पैट था वो 427.66 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 609.64 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका हाफ ईयरली रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे। तो देखो भाई, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 871.78 था मार्च 15 में, 871.78 था, और मार्च 19 में देख लो 1615.30 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल है, ईयर टू ईयर वाइज 871 से 1615 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 871.78 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1636.38 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम ही रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज।
मार्च 50 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 804.58 था, मार्च 50 में 804.58 था, और मार्च 19 में देख लो 1268.80 चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 804 से 1268 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 804.58 था, मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो 1289.88 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर था वो 785.51 था, मार्च 15 में 785.51 था, और मार्च 19 में देख लो 1276.79 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 785 से 1276 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 785.51 था, मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो भाई 1276 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 3.94 था, मार्च 15 में 3.94 था और मार्च 19 में देख लो भाई 6.33 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपका इसमें पैसा भी सेफ रहेगा और रिटर्न तो भाई बनेगा ही, क्योंकि ये HDFC ग्रुप की कंपनी है। HDFC लाइफ का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है भाई वो HDFC ग्रुप की कंपनी है, इनका जो भाई बिजनेस है वो इंश्योरेंस का बिजनेस है। ये ऐसा बिजनेस है फ्रेंड जो चलता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए। आप लोग को पता होगा है कि HDFC ग्रुप की एक और कंपनी का IPO आने वाला है, उस कंपनी का भाई नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विस। आप लोग भाई चाहते हो कि HDB फाइनेंशियल सर्विस का आपको अलॉटमेंट मिले, तो आप लोग अभी से ही HDFC लिमिटेड का शेयर करके रख लो, वरना फिर आपको IPO में अलॉटमेंट नहीं आएंगे तो फिर भाई पैसा भी नहीं बनेगा। तो अभी से ही HDFC लिमिटेड का शेयर करके रख लीजिए, आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो नवंबर 2017 में आया था, 290 रुपए के प्राइस पे आया था। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है, 1 ईयर में रिटर्न है -2.59% है, सेंसो का रिटर्न है 12.41% है भाई। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है 17.44% है, सेंसो का रिटर्न है 9.75% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 17% रिटर्न बना के दे चुका है, 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में रिटर्न है 7.82% है, सेंसो का रिटर्न है -0.24% है, 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न है 3.43% है, सेंसो का रिटर्न है -0.04% है, 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में रिटर्न है 2.96% है, सेंसो का रिटर्न है -0.01% है। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में HDFC लाइफ को जगह दें, अगर आप 15-20 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में HDFC लाइफ का भाई शेयर होना ही चाहिए, HDFC AMC का भी शेयर होना चाहिए। इस ग्रुप की जितने भी लिस्टेड कंपनी है उन सब कंपनियों में सबसे ज्यादा भाई जो रिटर्न बना के देगा वो HDFC AMC बना के देगा, पहले फ्रेंड मैं बता चुका हूँ आप लोग को, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 76.14% का होल्डिंग है, FIs के पास जो होल्डिंग है HDFC लाइफ में वो 10.52% का होल्डिंग है,
आने वाले समय में इस कंपनी में एफआईआईज की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है 2.57% होल्डिंग है, अदर डे पर जो होल्डिंग है 0.83% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 9.92% होल्डिंग है। कोई भी शेयर एचडीएफसी लाइफ का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एचडीएफसी लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है 51.48% का होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एचडीएफसी लाइफ का, तो भैया वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। साइज ग्रोथ जो 5 ईयर का 21.30% का है, एविट ग्रोथ जो 5 ईयर का 22.15% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ, एविट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 510.75 रुपया, 52 वीक लो है 345 रुपया। सेंटीमीटर की बात करूं तो 67% ओवर है बाई कीजिए, 27% ओवर है सेल कीजिए, 6% ओवर है होल्ड कीजिए। मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है एचडीएफसी लाइफ का, 91,826.02 का मार्केट कैप है। तो भैया एक लार्ज कैप कंपनी है। पी जो है एचडीएफसी लाइफ का वो 71.90 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 57.31 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले एचडीएफसी लाइफ का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है एचडीएफसी लाइफ का वो 28.03 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो 6.33 का अर्निंग पर शेयर है। फेस वैल्यू 2 का है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।